कर्नाटक तो सरहद इश्यू पै उद्धव शिवसेना नेता संजय राउत रियाक्ट मराठी माटे प्रां कोसमे तम पोराटम प्रजल तो सरकार तो गुड़व लेदी इधन कोसमें महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज गवर्नर सह बीजेपी अधिकार प्रतिनिधि अवमान दी पक्दारी पट्टे बारडर इश्यू तेरपै की तचार महाराष्ट्र में कोई कर्नाटक भाषिक नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत बॉर्डर के स्टेट है जहाँ लोग तेलुगु भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं, और हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हमारे लोग हैं सब। ये मानवता की और संस्कृति की लड़ाई है। वहाँ के लोग सालों साल से बेळगाव कारवार के लोग मराठी भाषी का महाराष्ट्र में आना चाहता है, उनके ऊपर अन्याय हुआ है। ये मानवता की लड़ाई, ये कोई कर्नाटक के हमारे जो भाई है उनके साथ लड़ाई नहीं है, ना सरकार से लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन अभी क्यों? नहीं नहीं, इसलिए कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान जिस तरह से हुआ है राज्यपाल कोश्यारी जी की तरफ से, और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है बीजेपी के मिस्टर त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी ने जिस प्रकार की भाषा की, उससे महाराष्ट्र के लोगों के मन में एक चीज है। लोग सड़क पर आएंगे। उद्धव ठाकरे साहब ने तो कल बहुत बड़ी लड़ाई का ऐलान किया है महाराष्ट्र के अभिमान के लिए। तो ये ध्यान हटाने के लिए मुंबई को पूरे आगे किया है कि आप ये इश्यू निकालो तो महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भूलकर आपके पीछे पड़ेगी। ये स्क्रिप्टेड है सर, लेकिन ना हम शिवाजी महाराज का अपमान भूलेंगे, ना किसकी बात सुनेंगे, और ना महाराष्ट्र की एक इंच भी भूमि किसी